नमस्ते बच्चों, ये वीडियो मैं क्लास सिक्स के बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका अप्रैल माह का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। प्राइमरी कलर्स, वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स, ये क्या होते हैं, इनके क्या अफेक्ट्स होते हैं, ये आपको जानना है और किस तरीके से इसको बनाना है, ड्रॉ करना है, पेंटिंग करना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। मेरा आप सभी बच्चों से ये आग्रह है कि जो भी काम आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है उसको पूरा करके रखें, क्योंकि इसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको इसी के बेस पे ग्रेड मिलेगी। इसलिए ये सारे काम कंप्लीट करें और इसकी रिपोर्ट दें स्कूल में। देखिए बच्चों, आपको तीन खाली A4 शीट लेनी है। कोई भी ड्राइंग कॉपी में से आप निकाल सकते हैं, या आपके पास घर पे A4 शीट है तो आप वो A4 शीट ले सकते हैं। इस A4 शीट पे आपको, ये देखिए, ये A4 शीट पे आपको ऊपर लिखना है प्राइमरी कलर्स और नीचे तीन सर्कल्स बनाने हैं, 1, 2, 3। दूसरी शीट पे आपको लिखना है कूल कलर्स, उसके नीचे भी तीन सर्कल्स बनाने हैं, 1, 2, 3। तीसरी शीट पे आपको लिखना है वार्म कलर्स, उसके नीचे भी तीन सर्कल्स बनाने हैं, 1, 2, 3। ओके, अब प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं वो आपको कलर इसमें फिल करने हैं। प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, येलो, ब्लू। अगर आपके पास घर पे वाटर कलर है या क्रेयॉन्स कलर है तो आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई भी पुराने न्यूज़पेपर या मैगजीन में से आप सर्कल काट के इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इनके ऊपर भी कलर करना है, सबके ऊपर, और अगर कलर नहीं है तो पेस्ट करना है। क्या कलर करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, येलो, ब्लू। कलर नहीं है, ये देखिए, मैंने एक मैगजीन में से सर्कल काटा है, मैं इसके ऊपर इसको ऐसे पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, येलो, ब्लू, ये तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं जो बेसिक कलर्स होते हैं, और इन तीनों कलर्स के द्वारा ही हम दूसरे कलर्स बनाते हैं। ये मेन शेड्स होते हैं, पेन कलर होते हैं, तीन कलर, रेड, येलो, ब्लू, इनके द्वारा हम दूसरे कलर्स बनाते हैं, उनको हम सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट कूल कलर। कूल कलर्स क्या होते हैं? कूल कलर्स होते हैं वायलेट, ब्लू एंड ग्रीन। ये तीन कूल कलर्स होते हैं। इनके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं हमारी आंखों पे? इनके इफेक्ट से पड़ते हैं, कूल कलर हमें ठंडक का एहसास कराते हैं। अगर हमें कोई नेचर सीन बनाना हो तो वहाँ ज़्यादातर हम कूल कलर्स यूज करते हैं, वॉयलेट, ब्लू और ग्रीन, ये हमें ठंडक का एहसास कराते हैं। ओके, नेक्स्ट वार्म कलर। वार्म कलर क्या होते हैं? रेड। वार्म कलर्स होते हैं रेड, येलो और ऑरेंज। ये तीनों वार्म कलर्स होते हैं। ये हमें गर्मी का एहसास कराते हैं, और ये गर्म कलर होते हैं, गर्मी का एहसास कराते हैं। इन तीनों कलर का ये अफेक्ट होता है, वार्म कलर्स जो हमें गर्मी का एहसास कराते हैं, कूल कलर्स जो हमें ठंडक का एहसास कराते हैं, प्राइमरी कलर्स जो बेसिक कलर्स होते हैं, इनके द्वारा हम दूसरे कलर्स बनाते हैं। ओके, ये तीनों कलर के सर्कल्स कंप्लीट करने के बाद में आपको उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। जैसे कि रेड कलर का क्या होता है? एप्पल। येलो कलर का क्या होता है? मैंगो। ब्लू कलर का क्या होता है? ब्लू कलर के लिए हम क्लाउड बना सकते हैं, एक ऐसे बादल बना सकते हैं। तो इस तरीके से इनको कलर करना है, और अगर आपके पास कलर नहीं है, इनको भी मैगजीन में से पेपर कटिंग करके द्वारा इनको लगा सकते हैं। देखिए, ये मैगजीन में से मैंने एप्पल कटिंग किया, अब इस एप्पल को मैं इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर दूंगा, ऐसे।
तो ऐसे ये कलर और उसका ऑब्जेक्ट, कलर उसका ऑब्जेक्ट, कलर और उसका ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है पूरा। ऐसे ही कूल कलर वॉयलेट, इसमें वॉयलेट कलर करेंगे। ब्लू, इस फ्लावर में ब्लू कलर करेंगे। ग्रीन लीफ होती है तो लीफ में ऐसे ग्रीन करेंगे। ये कूल कलर्स होते हैं और ये वार्म कलर्स, इसमें येलो करना है, इसमें रेड करना है और इसमें येलो ऑरेंज फ्लावर बनाना है। ये वार्म कलर्स होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं इन कलर से रिलेटेड। ऐसे आप अपने घर पे देखिए ऑब्जेक्ट्स, अपने घर पे चीज़ों को देखिए कि उनके कलर्स क्या हैं और वो किस से रिलेटेड हैं। वार्म कलर से हैं, कूल कलर से हैं या प्राइमरी कलर से हैं। तो आप उस ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं, उसको कटिंग करके उसको पेस्ट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये तीनों कूल कलर, वार्म कलर और प्राइमरी कलर, ये आपको कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।